जिस प्रकार एक पेड़ के लिए बीजारोपण बेहद आवश्यक है, उसी प्रकार बच्चों के विकास और उनके भविष्य के लिए अरहम ध्यान योग एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज की प्रेरणा से पश्चिमपुरी के श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 दिवसीय अरहम ध्यान योग किड्स वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें योगाचार्य छाया जैन और मेघना बैनाड़ा ने बच्चों को योग की क्रियाएं सिखाई। अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पश्चिमपुरी में 3 दिवसीय अरहम ध्यान योग किड्स वर्कशॉप लगाई गई। वर्कशॉप में योगाचार्य मेघना बैनाड़ा और छाया जैन ने बच्चों को योग की क्रियाएं कराई। चलिए आँख बंद करिए। ब्रीदिंग पैटर्न बताया था, कैसे कराया था कि पेट हमारा बाहर जाता है और दिल अंदर जाता है। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों को सामने लेके आएंगे प्रार्थना मुद्रा में। चौथी मुद्रा के लिए गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शिविर में बच्चों को योग की क्रियाएं करा रही योगाचार्य मेघना बैनाड़ा ने बताया कि अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से बच्चों को योग की महत्वता का ज्ञान कराने के लिए यह वर्कशॉप यहां लगाई गई है। इस वर्कशॉप में क्षेत्र के कई बच्चों ने नियमित तौर पर भाग लिया। ये हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हम लोग ने अंतरप्पा का कोर्स किया था उसके रिगार्डिंग ही हमको वर्कशॉप्स लेनी थी गुरुदेव की। अब रिसेंटली हम शाहपुरा गए थे और अरहम ध्यान योग का शिविर, करीब 150 लोग आए थे ऑल ओवर इंडिया से भी और बाहर के भी, आउट ऑफ इंडिया के भी कंट्रीज़ के, सिंगापुर से, US से और हांगकॉन्ग से कुछ लोग आए थे जिन्होंने शिविर अटेंड किया। तो गुरुदेव का यही हम सबको था कि बच्चों को ज़रूर से इस चीज़ में आगे निकालना है, ज्ञान में, ध्यान में और योग में कैसे हम उन्हें अपने संस्कारों के साथ जोड़ सकते हैं ये सिखाना है। उनके आशीर्वाद से हमने ये छोटी सी वर्कशॉप इस बार छाया जी के सहयोग से और अंजना जी के सहयोग से मिलकर के पश्चिमपुरी मंदिर में लगाई थी और कोशिश है कि आगे भी हम दूसरी जगह जा कर के इन वर्कशॉप्स को लगाएं। छाया जैन ने बताया कि जिस प्रकार से एक पेड़ के लिए बीजारोपण बेहद आवश्यक है, उसी प्रकार बच्चों के विकास और उनके भविष्य के लिए अरहम ध्यान योग एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। योग क्रियाओं के साथ बच्चों को यह भी सिखाया गया कि जीवन में योग करके किस तरह डिसिप्लिन के साथ रहा जा सकता है। बच्चों के लिए हमने ये जो वर्कशॉप लगाई है, जैसे एक पेड़ होता है उसमें सीड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर सीड नहीं होगा तो पेड़ नहीं बन सकता है। तो ये बच्चों के अंदर ही ये अरहम ध्यान योग का बीज रोपण करने के लिए गुरुदेव का आदेश था कि हर बच्चे के अंदर अरहम का बीज हमको रोपण करना है। तो ये 3 दिन की वर्कशॉप में हमने वही बीज बच्चों के अंदर पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश की है और सोचा भी है कि आगे ये वृक्ष की तरह बच्चे ऐसे ही अरहम के वृक्ष की तरह लहराएंगे। वर्कशॉप में हमें ना बच्चों को सिखाने के लिए बहुत गुरु महाराज ने इतनी अच्छी से वो हमें दिए, मुनि प्रणम सागर महाराज जी ने। अभी हम शहपुरा में शिविर अटेंड किया था, उसमें गुरु महाराज ने बताया जितना मतलब हो सके इस अरहम योग को आगे ले जाना है हमें। तो हमने जगह जगह शिविर लगाएंगे, आगरा में भी, आउट ऑफ आगरा भी लगाया था मैंने, अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में भी लिया था अरहम योग का शिविर। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये एक वरदान स्वरूप हमें मिला है गुरु महाराज का अरहम योग। अरहम ध्यान योग किड्स वर्कशॉप में योगाचार्य ने अरहम योग की 5 मुद्राओं के बारे में बच्चों को बताया गया कि यह 5 मुद्राएं अरिहंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा और मुनि मुद्रा होती है। इन 5 मुद्राओं को नियमित रूप से करने से शरीर में पावर, एनर्जी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के साथ डेवलपमेंट होता है। अरहम ध्यान योग किड्स वर्कशॉप में योग और ध्यान की क्रियाओं को कर रहे बच्चे योग वर्कशॉप को लेकर खासा खुश नजर आए। बच्चों का कहना था कि योग करने से जीवन में डिसिप्लिन आता है।
बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट था कि और दिनों तक चलेगा, बट थोड़े दिन ही चला। क्या क्या सीख लोगे मिला तुम्हें? योग से लाइक पीस मिलता है और अच्छा मूड होता है, तो फिर सुबह जैसे पूरा डे अच्छा जाता है सुबह से। वी हैव लर्न मैनी थिंग, दैट इज़ डिसिप्लिन, पंचुअलिटी कैसे कि 6:15 बजे हम लोग ऑन टाइम रहते थे सब लोग, और डिसिप्लिन, चप्पल शूज़ वगैरह सब लाइन में लगे रहते थे अरेंज। सो वी हैव लर्न डिसिप्लिन, पावर, एनर्जी, एक्टिविटी, एवोल्यूशन, एवरी थिंग वी हैव लर्न दैट, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज़, इट वॉज अमेजिंग। 3 दिवसीय इस वर्कशॉप का आरंभ 8 जून को हुआ था, जिसका समापन 11 जून को वर्कशॉप में शामिल हुए बच्चों को सर्टिफिकेट देकर किया जाएगा। वर्कशॉप में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पश्चिमपुरी प्रबंध समिति का काफी सहयोग मिला। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।